नमस्कार दोस्तों, रेखा दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ आलू से बने बहुत ही टेस्टी एक नाश्ते की रेसिपी शेयर करूंगी। इस तरीके से आप एक बार बना के जरूर देखिएगा, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक कॉमेंट के साथ दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, और आज के लाइक का गोल रखते 100। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने लिया यहाँ पे 2 बड़े साइज के आलू। आलू को पील करने के बाद हम ऐसे टुकड़ों में काट लेंगे। आलू आप अपने जरूरत के हिसाब से यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले हम आलू के ऊपर इस तरीके से हल्का काट देंगे। ये जो आलू के टुकड़े हम काट के अलग कर रहे हैं, इसके आप सब्जी बना सकते हो। अब हम आलू को इस तरीके से लंबाई में 3 टुकड़ों में काट लेंगे। देखिए, अब हम इसे इस तरीके से 4 स्लाइस करेंगे। देखिए, अब हम पहले इस तरीके से बीज में से कट लगा लेंगे, और फिर हम इस तरीके से टुकड़ा कर लेंगे। देखिए, तो इसी तरीके से हमें बाकी आलू भी कर लेना है। आप चाहे तो आलू यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हो। आलू को मैंने काट लिया है। देखिए, अब हम आलू को 3 से 4 बार साफ पानी से धो लेंगे। आलू को अच्छे से धो लेने के बाद हम एक बर्तन में ले लेंगे 1 कप पानी। पानी जब हमारा अच्छे से गर्म हो जाए, हम डालेंगे यहाँ पे 1 चम्मच नमक। साथ ही हम डाल देंगे यहाँ पे आलू। आलू डालने के बाद हम बस मीडियम फ्लेम में 3 मिनट के लिए बॉईल करेंगे। 3 मिनट से ज़्यादा हमें आलू को बॉईल नहीं करना है, तो गैस का फ्लेम मीडियम कर देते। 3 मिनट हो गए, गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे, और आलू को हम छान लेंगे एक टोकरी में। तो 3 मिनट मीडियम फ्लेम में हमें आलू को बॉईल करना है। अब हम आलू को एक बाउल में ले लेंगे। इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम नमक डालेंगे 1/2 चम्मच। बॉईल करते टाइम भी हमने नमक डाला था, तो नमक आप अपने स्वादानुसार डालिएगा। साथ ही हम डालेंगे यहाँ पे 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर। 1 चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे चिली फ्लेक्स। यहाँ पे मैंने लिया है मिक्स हर्ब 1 चम्मच। आप इसकी जगह ऑरिगेनो का भी यूज़ कर सकते हो। डालेंगे हम यहाँ पे 2 चम्मच मैदा, और डालेंगे हम यहाँ पे 4 चम्मच कॉर्नफ्लोर। डालेंगे हम कटा हुआ हरा धनिया, और अच्छे से हम मिक्स करेंगे। तो अच्छे से हम मिक्स करेंगे। मैदा और कॉर्नफ्लोर हम यहाँ पे उतना ही यूज़ करेंगे जितने में सभी आलू के पीसेस में हमारा कोट हो जाए। गरम आलू है इसलिए अच्छे से सभी मसाले इसमें कोट हो जाएगा। तो सभी आलू के पीसेस में हमारा कॉर्नफ्लोर मैदे का कोट हो चुका है। इससे ज़्यादा हम यहाँ पे कॉर्नफ्लोर या मैदे का यूज़ नहीं करेंगे। देखिए, सिर्फ हल्का हमारा यहाँ पे कोटिंग है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब हम एक पैन में ले लेंगे तेल, और तेल को हम मीडियम गरम कर लेंगे। तेल जब हमारा मीडियम गरम हो जाए, सबसे पहले गैस का फ्लेम हम बिल्कुल लो पे करेंगे, और इस तरीके से हम आलू को उठाएंगे और थोड़ा सा सावधानी के साथ तेल में डालेंगे। अब हम गैस का फ्लेम मीडियम करेंगे, और लो मीडियम फ्लेम में आलू को हम गोल्डन कलर आ जाने तक अच्छे से फ्राई करेंगे। एक बार में हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे यहाँ पर। हाई फ्लेम में आलू को फ्राई करने से आलू हमारा कच्चा रह जाएगा, और ऊपर से आलू हमारा जल जाएगा। इसलिए लो मीडियम फ्लेम में हमें आलू को थोड़ा सा टाइम लेके फ्राई करना है।
छः से सात मिनट का आपको टाइम लगेगा इसे फ्राई करने में। आप एक बार इस तरीके से बना के ज़रूर खाइएगा। एक बार खाने के बाद आप मार्केट से खाना बिल्कुल छोड़ देंगे। इतना इजी है इसे बनाना और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा आपको खाने में। तीन से चार मिनट हो गया है, देखिए थोड़ा सा और हम इसे फ्राई करेंगे। छः से सात मिनट हो गए आलू को हमें फ्राई करते हुए, और आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से कलर चेंज हो गया है आलू का। आलू अच्छे से हमारा अंदर तक सॉफ्ट भी हो गया है। इससे ज़्यादा हम आलू का कलर चेंज नहीं करेंगे, निकाल लेंगे हम, और इसी तरीके से बाकी आलू भी हम फ्राई कर लेंगे। बस आपको इस बात का ध्यान देना है कि हाई फ्लेम में आपको आलू को फ्राई नहीं करना है, लो मीडियम फ्लेम में आपको फ्राई करना है। डालते टाइम थोड़ा सा सावधानी के साथ, देखिए इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से मैं बाकी आलू भी फ्राई कर लूँगी। तो फ्रेंड्स आज की रेसिपी आप एक बार ज़रूर बना के देखिएगा, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे। तो इसे बनाइए, खाइए, फिर मुझे बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल में अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और चेहरे पर हमेशा स्माइल रखिएगा।